ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकाम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक पेश हुए। सीटीओ लाहौर ने शहर में जारी हादसात से बचाव मुहिम बारे रिपोर्ट पेश की। सीटीओ लाहौर ने शहर में जारी हादसात से बचाव मुहिम बारे रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि इब्तदाई तौर पर माल रोड पर बगैर हेलमेट का दाखिला बंद किया गया है। दो यौम में माल रोड पर 4,778 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माना किया गया, जबकि मजमू तौर पर 22,246 बगैर हेलमेट बाइकर्स को चालान टिकट जारी किए गए हैं। सीटीओ लाहौर ने अदालत को बताया कि अदालती अहकाम पर मनोअल अमल दरामद करवाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पुलिस अहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। वकला और सहाफियों समेत तमाम बाइकर्स शहरी अपने हिफाजत के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने कहा कि माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड समेत अहम शहरों पर भी कार्रवाई जारी रखी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा हफ्ते से जेल रोड पर भी बगैर हेलमेट बाइकर्स का दाखिला बंद किया जाए। बांग्लादेश में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को तेल नहीं दिया जाता। अदालत ने पेमरा के नुमाइंदे को रोड सेफ्टी पर इश्तेहार चलाने की भी हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।